गुड मॉर्निंग चिल्ड्रंस, हाउ आर यू? क्लास नाइन्थ. हेलो चिल्ड्रन, क्लास नाइन्थ, हाउ आर यू? उम्मीद है मुझे आप लोगों ने बुक्स खरीद ली होंगी. एसएससी की हमारी क्लासेस फर्स्ट कल मैंने पढ़ाया था आपको. कल हम लोगों की फर्स्ट क्लास एसएससी की हुई थी और मैंने आपके साथ शेयर किया था सबसे पहले तो कि हमारी एनसीईआरटी का सिलेबस स्टार्ट है इस बार नाइन्थ क्लास. आपकी एनसीईआरटी की चार बुक्स हैं, चारों बुक्स पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स. तो आपको एनसीईआरटी का सिलेबस चारों बुक्स खरीद लेनी है. और मैंने फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दिया था आपका डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स फर्स्ट बुक, पॉलिटिकल साइंस वाली बुक का चैप्टर वन हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था. व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, व्हाई इज़ डेमोक्रेसी. देखो चैप्टर वन, व्हाट इज डेमोक्रेसी. डेमोक्रेसी बच्चों, जनरल वे में डेमोक्रेसी क्या है, उसके फीचर्स क्या होते हैं, ये चीज़. डेमोक्रेसी का मतलब है प्रजातंत्र, है ना. ये सारी चीज़ मैंने कल भी डिस्कस की थी आपसे, केवल थोड़ा सा वापस से रिकॉल कर रही हूँ मैं इसको, फिर हम आगे बढ़ेंगे. प्रजातंत्र का मतलब जनता का शासन. जनता का शासन मीन्स कि वो वाली शासन व्यवस्था जिसमें जनता अपने प्रतिनिधि को, जो गवर्नमेंट चलाएंगे उनको इलेक्ट करती है, है ना, उनका चुनाव करती है. तो तुम ऑलरेडी पढ़ चुके हो और एट क्लास में भी, और तुम जानते हो कि हमारा जो भारत है, भारत कैसा देश है, प्रजातांत्रिक देश है. प्रजातंत्र है हमारे देश में. प्रजातंत्र क्यों है, क्योंकि हमारे यहाँ पर भी हर उस व्यक्ति को जो कि 18 साल की जिसकी एज है वो वोट देने का उसको राइट है, यानी अपना नेता चुनने का अधिकार है. 18 साल से ऊपर का हर व्यक्ति, वो चाहे अमीर हो, गरीब हो, लड़का हो, लड़की हो, और किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी आधार पर उसके साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया जाता है. तो हमारा भारत कैसा देश है, प्रजातांत्रिक देश है, यानी कि हमारे भारत में डेमोक्रेसी है. तो ये चीज़ है आपको क्लियर. डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी वो है ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग. डेमोक्रेसी सो फार मेंशन ए फ्यू एग्जांपल, जैसे कि डेमोक्रेसी का कहाँ पे है, भारत में है डेमोक्रेसी. और इसकी डेफिनेशन क्या हुई, डेमोक्रेसी इज़ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल. दिस रेज मैनी क्वेश्चन. देखो अब क्या हुआ कि डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी शासन की वो व्यवस्था है जिसमें कि जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, इलेक्ट करती है. लेकिन अब इस बात से बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं दिमाग में, बहुत सारी बातें आती हैं कि फर्स्ट जैसे हु आर द रूलर्स इन दिस डेफिनेशन. तो इस डेफिनेशन में आपको ये पता नहीं है, मतलब समझना है कि रूलर्स कौन होते हैं. विच ऑफिशियल्स मस्ट बी इलेक्टेड फॉर एनी गवर्नमेंट टू बी कॉल्ड ए डेमोक्रेसी. विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन ए डेमोक्रेसी. देखो डेमोक्रेसी में क्या है, जो प्रतिनिधि चुने जाते हैं उनका, उनको इलेक्ट किया जाता है, चुना जाता है, और वो गवर्नमेंट को चलाने में, सरकार को चलाने में, वो सारे नियम कायदे बनाना, सरकार को चलाने का काम वो करते हैं. विच डिसीजन मे बी टेकन बाय नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स इन ए डेमोक्रेसी. तो जो डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है, उसमें जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं,
इलेक्टेड होके तो चुनाव में जो प्रतिनिधि आ रहे हैं, नेता लोग आ रहे हैं, लेकिन जो कार्य करते हैं वो जो नॉन इलेक्टेड ऑफिशियल्स हैं वो क्या करते हैं डेमोक्रेसी में। व्हाट काइंड ऑफ इलेक्शन कंसिस्ट ए डेमोक्रेटिक इलेक्शन, व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड फॉर एन इलेक्शन टू बी कंसिडर्ड डेमोक्रेटिक। अब डेमोक्रेसी में हमने कहा कि इलेक्शन होते हैं, जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, तो वो किस तरह के चुनाव होते हैं, कैसे इलेक्शन किया जाता है, क्योंकि इलेक्शन तो केवल डेमोक्रेसी में नहीं होता है। अमेरिका में दो पार्टियों का शासन है, रिपब्लिक, वो तो उसमें भी इलेक्शन होता है, वहाँ पे भी चुने जाते हैं, लेकिन अमेरिका में डेमोक्रेसी नहीं है। तो इलेक्शन तो कई जगह पे होता है, कई तरह की सरकारों के रूप में होता है, तो डेमोक्रेसी में जो इलेक्शन होता है उसका क्या टाइप है। व्हाट कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड एन इलेक्शन टू बी कंसिडर डेमोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक प्रजातांत्रिक शासन में जो चुनाव होता है उसके लिए क्या क्या नियम हैं, क्या कंडीशंस हैं। Who are the people who can elect the rulers or get elected as rulers? तो वो लोग जो अपने रूलर को चुनते हैं, वो वाले पीपल, उनकी क्या कंडीशंस होती हैं, किन आधार पर वो अपने रूलर को चुनते हैं, और वो जो रूलर जिसे चुनते हैं वो उसके अंदर क्या क्या क्वालिटी चाहिए, उसमें क्या क्या होना चाहिए गुण, ये सारी बातें। Should this include every citizen on an equal basis? Can be democracy deny some citizen this right? और क्या ऐसा है कि सभी लोगों को समानता से अधिकार मिलता है, या डेमोक्रेसी में कुछ लोगों को कुछ विशेष अधिकार हैं जिन्हें इलेक्शन में भाग लेना है, और कुछ लोगों को ये अधिकार नहीं मिले हुए हैं। तो डेमोक्रेसी की जो फॉर्म है, जो उसका स्वरूप है, वो किस प्रकार का है, इससे रिलेटेड बहुत सारी बातें दिमाग में आती हैं कि इलेक्शन कौन सी, किस तरह से इलेक्शन होता है, जो इलेक्ट करते हैं वो पर्सन और जो रूलिंग करते हैं वो पर्सन, वो लोग, उनके बीच में क्या क्या उनके नियम हैं, कैसे वो लोग उनको इलेक्ट करते हैं, और जो पीपल उसमें भाग लेते हैं इलेक्शन में, जो अपने नेता को चुनते हैं, उनमें क्या डिवीज़न होता है, उनमें क्या आपस में उनके सिटीजन्स में भेदभाव होता है, या सभी को समानता का अधिकार है, ये सारे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। फाइनली व्हाट काइंड ऑफ ए फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज ए डेमोक्रेसी, कैन इलेक्टेड रूलर्स डू वाट एवर दे वांट इन ए डेमोक्रेसी। तो अब ये बहुत सारी बातें आती हैं कि जो डेमोक्रेसी की फॉर्म है, गवर्नमेंट की जो डेमोक्रेसी या प्रजातंत्र वाली व्यवस्था है, उसमें जो इलेक्टेड रूलर है, जो चुन के आता है प्रतिनिधि, हमने कहा ना कि प्रतिनिधियों को जनता चुनती है, तो वो क्या अपना काम डेमोक्रेसी में जो वो करना चाहते हैं प्रजातंत्र में वो खुद कर पाते हैं, और मस्ट ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट फंक्शन विथ सम लिमिट्स, या जो डेमोक्रेटिक सरकार है, प्रजातांत्रिक सरकार है, उसकी कुछ लिमिट्स हैं, उसकी कुछ सीमाएं हैं, या फिर वो जो रूलर है वो खुल के काम कर सकते हैं, क्योंकि उनको जनता चुनती है। वो प्रतिनिधि कहाँ से चुन के आए, जनता के द्वारा चुन के आए हैं, तो उनके जनता के प्रति वो डेडिकेटेड हैं, जनता के प्रति उनका उत्तरदायित्व है, तो वो जो काम करेंगे उनका जवाब उन्हें जनता को देना होगा। इज इट नेसेसरी फॉर ए डेमोक्रेसी टू रेस्पेक्ट सम राइट्स ऑफ द सिटीजन, तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है प्रजातंत्र में कि जो सिटीजन्स हैं, जो जनता है, जो लोग हैं, जो कि अपने नेता का, शासन करने वाले रूलर्स का इलेक्शन करेंगे, चुनाव करेंगे, उनके कुछ अधिकार हैं, उनके कुछ राइट्स हैं। लेट अस कंसीडर ईच ऑफ दीज क्वेश्चंस विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। अभी जो हमारे दिमाग में प्रश्न आए कि कैसे इलेक्शन होता है, कौन लोग चुने जाते हैं, जो लोग चुनते हैं, और वो जो रूलर हैं वो उनके भी, उनकी क्या क्या उनके अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, और जो इलेक्शन करने वाले पीपल हैं, जनता है, उन सिटीजन्स में किसी तरह का कोई भेदभाव होता है कि नहीं होता, और जो रूलर है वो सही ढंग से फ्रीली काम कर सकता है या नहीं कर सकता, जनता को, सिटीजन्स को कुछ स्पेशल राइट्स मिले हैं, ये सारी बातें जो हमारे दिमाग में आई हैं, अब इनको एक एक करके हम समझने की कोशिश करेंगे। मेजर डिसीजन बाय इलेक्टेड लीडर्स,
जो चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं वो जो मेजर इलेक्शन वो डिसीज़न लेते हैं देश के लिए, जो निर्णय लेते हैं वो किस तरह से लिए जाते हैं, ये हम एक पाकिस्तान का सबसे पहले उदाहरण देके बता रहे हैं। इन पाकिस्तान जनरल परवेज मुशर्रफ लेड ए मिलिट्री ग्रुप इन द अक्टूबर 1999। ही अदरव्यू थ्रू ए डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट। देखो पाकिस्तान में जो गवर्नमेंट है उसके जो 1999 में इलेक्शन हुए थे तो जो उनका मिलिट्री का जो चीफ था जनरल थे परवेज मुशर्रफ ही वो भी एक डेमोक्रेटिक रूप है उसका गवर्नमेंट का, इलेक्टेड गवर्नमेंट एंड डिक्लेयर्ड हिमसेल्फ द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री। तो उन्होंने अपने आप को, क्योंकि वो आर्मी के हेड थे, अपने आप को चीफ घोषित कर दिया कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव। लेटर ही चेंज हिज डेजिग्नेशन टू द प्रेसिडेंट एंड इन 2002 हेल्ड द रिफंडम इन द कंट्री दैट जनरेटेड हिम ए 5 ईयर एक्सेशन। देखो उन्होंने जो कि उनकी मिलिट्री के हेड थे परवेज मुशर्रफ 1999 में उन्होंने अपने आप को उनकी रूलिंग पार्टी का रूलर घोषित कर दिया और फिर 2002 में उन्होंने अपने आप को पाकिस्तान का प्रेसिडेंट घोषित कर दिया जो कि अगले 5 ईयर्स तक उन्हें रहना था। पाकिस्तान मीडिया ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन एंड डेमोक्रेसी एक्टिविटीज सेड दैट द रिफंडेशन वाज बेस्ड ऑन मेल प्रैक्टिसेस एंड फ्यूरा। इन अगस्त 2002 ही इशूड ए लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर दैट अमेंडमेंट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान। देखो उन्होंने अपने आप को मिलिट्री चीफ ने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया तो इसका मीडिया में और सब तरफ बहुत ज़्यादा अपोजिशन हुआ, विरोध हुआ। फिर उन्होंने लीगली इसको 2002 में एक फ्रेमवर्क बनाकर पूरी तरह से कॉन्स्टिट्यूशन में, पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन में इसको घोषित कर दिया गया। अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल एंड प्रोविंशियल असेंबलीज। तो प्रेसिडेंट को ये अधिकार था कि वो प्रोविंशियल्स और लीगल जो असेंबली थी पाकिस्तान की उनको डिसमिस कर सकता था, मतलब सारी जो शक्तियाँ थीं वो मिलिट्री चीफ ने के हाथ में आ गई या उसने अपने हाथ में एक तरह से छीन ली और जो पाकिस्तान की शासन व्यवस्था थी उसका वो उसने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और उसमें चेंज करके प्रोविंसी और असेंबलीज के सारे जो वर्क थे वो उसने अपने हाथ में ले लिए। द वर्क ऑफ द सिविलियन कैबिनेट इज सुपरवाइज बाय द नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल विच इज़ द डेमो डोमिनेटेड बाय द मिलिट्री ऑफिस। और जो पूरे राज्य की जो सिक्योरिटी वो व्यवस्था थी, लोगों के लिए जो काम करना था कैबिनेट का जो थे वो सारे काम किसके हाथ में आ गए, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के हाथ में, और जिसको डोमिनेट करना, जिसका संचालन करने का काम किसका था, मिलिट्री ऑफिसर्स का था। यानी कि पूरी की पूरी पाकिस्तान की जो शासन व्यवस्था थी उसका नियंत्रण किसके हाथ में आ गया, मिलिट्री के हाथ में आ गया, मिलिट्री चीफ के हाथ में आ गया। उन्होंने अपने आप को प्रेसिडेंट घोषित कर दिया और पाकिस्तान के सारे जो काम थे लीगल और जो ऑफिशियल वर्क थे वो सब मिलिट्री के कंट्रोल में आ गए और मिलिट्री के कंट्रोल से वो शासन उनका चलने लगा। After passing this law, election were held to the national and provincial assemblies. So Pakistan has had election. तो देखो उसके बाद क्या हुआ, election होते थे national और provincial assembly के, तो पाकिस्तान में भी election हो रहे हैं but ये differ है हमारे Indian प्रजातंत्र से, हमारी Indian democracy से। तो हम केवल ये नहीं कह के हम सिद्ध कर सकते कि democracy का मतलब ये है कि जहाँ पर election होते हैं, election अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में भी इलेक्शंस होते हैं बट वो अलग तरीके, वो अलग चीज़ है। इसलिए हम डेमोक्रेसी की डेफिनेशन में सिर्फ ये कहकर डिस्क्राइब नहीं कर सकते कि डेमोक्रेसी इज़ द
फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल, कि लोगों को जनता के द्वारा नियुक्त किया जाता है, जनता अपने नेता को चुनती है। पाकिस्तान का उदाहरण देके उन्होंने समझाया कि इलेक्शन वहाँ पर भी होते हैं, बट वहाँ पर मिलिट्री चीफ जो है वही सेना का प्रमुख जो है वही प्रेसिडेंट होता है और वही पूरी शासन व्यवस्था का संचालन सेना के द्वारा किया जाता है। तो मुझे लगता है आज जो मैंने जितना आपको पढ़ाया है, कल जो मैंने डेमोक्रेसी समझाया था और पाकिस्तान के माध्यम उदाहरण से आज जो आपने ये चीज़ समझी है कि डेमोक्रेसी का मतलब हम सिर्फ ऐसे नहीं कह सकते कि वो वाली शासन व्यवस्था जहाँ पर कि जनता अपने उसको नेता को चुनती है, क्योंकि अदर टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट में भी ऐसा होता है कि जनता इलेक्शन में भाग लेती है, इलेक्शन होता है, तो हम डेमोक्रेसी को इस तरह से डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते। तो आज के लिए आपको जो मैंने व्हाट इज़ डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी का क्या है और डेमोक्रेसी के फीचर, पाकिस्तान का उदाहरण ये समझाया है, ये आपको घर से पढ़ना है अच्छे से। बच्चों, सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर आपने अगर बुक्स नहीं खरीदी हैं तो बहुत ज़रूरी है कि आप किताबें खरीद लो, बिना बुक के आपके लिए समझना बहुत कठिन हो जाएगा, क्योंकि ये एनसीईआरटी की बुक्स हैं। वैसे भी बुक्स तो होनी चाहिए, एनसीईआरटी का पैटर्न जो है वो बहुत अलग है, जैसे अपन पहले पढ़ते थे उस तरह की बुक्स नहीं है। इसमें सारी बातें उदाहरण के साथ और बहुत अच्छी तरह से एग्जांपल दे दे के समझाई गई हैं, इसलिए आपके पास किताबों का होना बहुत ज़रूरी है। जल्दी से जल्दी अपने पेरेंट्स से कहिए और किताबें खरीद लिए। एनसीईआरटी की बुक्स हैं, किसी भी बुक स्टोर पर आपको मिल जाएंगी, वो आपको ख़रीदना बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए आपका पॉलिटिकल साइंस का जो होमवर्क है, रीड चैप्टर फर्स्ट, अच्छे से पढ़ना है इस चैप्टर को एंड समझना है, और यदि आपको कुछ प्रॉब्लम्स हैं तो आप फीडबैक दीजिए मोबाइल पे, और जिससे सॉर्ट आउट करेंगे कि आपको कहाँ समस्या आ रही है, आप क्या नहीं कर पा रहे हैं, और पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर दीजिए। अब मेरा आपसे यही कहना है, दो बातें, चैप्टर को घर पे अच्छे से पढ़ो, समझो, तब आपको अच्छे से समझ में आएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि आप फटाफट किताबें अपनी ख़रीद लीजिए। बहुत सारा समय अपना वैसे भी बहुत निकल चुका है बेटा, और अभी भी संभावना बहुत कम है स्कूल खुलने की, जुलाई में तो सवाल ही नहीं उठता, इसलिए आप लोग जल्दी से जल्दी ऑनलाइन पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, किताबें खरीदिए और घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, अपना ख्याल रखिए, घर से बाहर ना निकलिए, और यदि निकलना पड़े तो मास्क लगा कर जाइए। धन्यवाद, अपना ध्यान रखना, सी यू टुमारो।